क्या आप कोई फ्लैट, घर या भूमि खरीदने जा रहे हैं? कौन से नंबर का फ्लैट खरीदें, किस नंबर का मकान खरीदूं, कौन सा नंबर आपको सफलता की ओर ले जाएगा, कौन सा नंबर आपको विफल करेगा? कुछ लोग कहते हैं कि 13 नंबर राहु का है, कुछ लोग कहते हैं कि 4 नंबर राहु का है, कुछ लोग कहते हैं कि 8 शनि का है, नुकसान करेगा, बर्बाद कर देगा, 7 नंबर मत लेना, ये केतु का अंक है, बर्बाद हो जाओगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम बात करने वाले हैं घर के नंबर, फ्लैट्स के नंबर, प्लॉट्स के नंबर के संबंध में कि आपको कौन सी चीज़ें देखकर किस प्रकार से डिसीजन लेनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए। कई प्रकार की चीज़ें हैं, लोगों के मन में दुविधा होती है कि कौन से नंबर का हमें प्लॉट खरीदूं और किसको अवॉइड करूं। जब आपके पास कई एक ऑप्शन होते हैं तो हम देखते हैं कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो 12 नंबर का फ्लैट उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। कोई कहेगा कि 15 उपलब्ध है, 20 उपलब्ध है, 22, सारे उपलब्ध हैं। कहीं कहीं पर कुछ ABCD भी लगी रहती है, A12 उपलब्ध है, E15 उपलब्ध है। तो कौन सा नंबर का फ्लैट या भवन लेना आपके लिए लाभदायक होगा और किन चीज़ों और किन बातों को हमें कंसीडर करनी चाहिए और किन बातों को अवॉइड करनी चाहिए। नंबर देखने से पहले सर्वप्रथम आपको वास्तु अवश्य देखना चाहिए कि फ्लैट या घर के केवल नंबर मैच कर जाने से आप ना खरीदें, पहले वास्तु मैच करें कि वास्तु प्रॉपर सही है या नहीं, दिशा प्रॉपर ठीक है या नहीं, उसके बाद हम नंबर पर आएंगे कि कौन सा नंबर का भूमि खरीदें। कुछ लोग कहते हैं कि 4 नंबर के भवन मत खरीदना, ये राहु का है, नुकसान करेगा, बर्बाद हो जाओगे। 8 नंबर का मत खरीदना, ये शनि का अंक है, ये बिल्कुल शनि का अंक है, ये बिल्कुल राहु का अंक है, परंतु हर व्यक्ति को 8 नंबर नुकसान नहीं करता, हर व्यक्ति को राहु नुकसान नहीं करता। आपको कौन सा नंबर लेना है आज हम उसे जानेंगे कि कौन सा नंबर आप खरीद सकते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को देख लेना है। मान लिया जाए आपका डेट ऑफ बर्थ है 21/11/1987। चलिए, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो ये पहला डिजिट है आप इसे थोड़ा सा कंसीडर करें, ये जो पहला डिजिट है यहां पर आपका 1 से लेकर 31 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। तो मान लिया जाए आपके 21 हैं तो हम यहां 21 ले लिए, इसको हम आपस में ऐड कर देंगे तो 2 और 1 हो गए 3, अर्थात आपका जो मूल अंक है वो निकल कर आया हमारे पास 3। अब आपके पास जो मूल अंक है ये है 3, तो हमें 3 किसका है, इसके ग्रह हैं गुरु, इसके जो हैं गुरु बृहस्पति, गुरु बृहस्पति जो है उनका अंक है 3। अब हमें ये देखना होगा कि गुरु बृहस्पति के कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन से ग्रह जो है शत्रु के श्रेणी में आते हैं। जब हम बात कर लें मित्र के श्रेणी की तो इसके मित्र के श्रेणी में जो आ जाएंगे वो है 1, 2 और 9। मैं फिर से एक बार क्लियर करूं तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपके पास मूलांक आ जाता है 3, तो आपके पास मूलांक 3 किस किस कंडीशन में आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ 12 हो तो भी 3 आ जाएगा, 21 है तो भी 3 आ जाएगा, 30 है तो भी 3 आ जाएगा, अर्थात आपका जन्म 3री तिथि को 12वीं तिथि को 21वीं तिथि को या 30वीं तिथि को ही हो तो आपका मूलांक 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 3 और 0 3, ये तीनों कंडीशन में आपका मूलांक 3 है, अर्थात आपके ऊपर गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा है, जुपिटर की आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें 3 के मित्र ग्रह को देखने होंगे जिसमें 1 नंबर है
जिसमें आता है मित्र ग्रह में एक नंबर, उसके बाद जो आते हैं दो नंबर, उसके बाद आते हैं नौ नंबर। तो ये देखेंगे तो एक किसका है, एक है सूर्य, दो है चंद्र और नौ है मंगल। मंगल मैं ग्रह इसलिए लिखते जा रहा हूं कि मन में कंफ्यूजन ना रहे कि लोग कहेंगे कि ये एक नंबर दो नंबर कहां से लाके मित्र और शत्रु बना दिया। ये मित्र और शत्रु किस प्रकार से बनते हैं, इन्हीं ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं कि गुरु है तो गुरु के मित्र सूर्य हैं, गुरु के मित्र चंद्र हैं, गुरु के मित्र मंगल हैं, गुरु के लिए नॉर्मल बुध है, ये इसके मित्र हैं। तो आपके पास तीन है तो आप चाहे तो एक नंबर के, दो नंबर के और नौ नंबर के भवन खरीद सकते हैं, ये आपके मित्र में है। अब आप यदि एक खरीद सकते हैं तो आप दस भी खरीद सकते हैं, आप चाहे तो उन्नीस भी खरीद सकते हैं, आप चाहे तो अट्ठाईस भी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक वन और जीरो वन, वन और नाइन टेन, और टेन और टेन को फिर से हम जोड़ देंगे, मैं इसमें जोड़ के बता देता हूं, ये एक हो गए, ये दस हो गया, ये भी दस हो गया, यह एक हो गया, यह भी एक हो गया, यह भी एक हो गया, अर्थात आप एक ले सकते हैं, आप नौ ले सकते हैं, दो ले सकते हैं। जब नौ खरीद सकते हैं तो नौ के साथ आप अठारह भी खरीद सकते हैं, सत्ताईस भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका भी योग नौ है और इसका भी योग नौ है। तो जब भी भवन खरीदें तो कुछ चीजों, सबसे पहले वास्तु कंसीडर करें, प्राइमरी वास्तु है, प्राइमरी दिशा है, वास्तु बैलेंस्ड हो तो आपके पास नंबर देखने के हो तो नंबर आप मैच कर लें, उसे प्राथमिकता देते हुए उस फ्लैट को आप ले सकते हैं। ये आपके अपनी सारे बैलेंस शीट को देखने के बाद ये तय करना है कि कौन सा फ्लैट लिया जा सकता है। अब आइए मैं एक चार्ट आपको दिखलाता हूं, उस चार्ट से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। मैं एक चार्ट आपको, ये मैंने एक चार्ट बना रखा है, ये देख लीजिए, देवता ग्रह और दानव ग्रह। देवता ग्रह में आते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। दानव ग्रह में आते हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। देवता ग्रह का दानव ग्रह से शत्रुता होती है, देवता ग्रह का दानव ग्रह से शत्रुता होती है। बुध है न्यूट्रल, ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती। आपके अंक यदि एक आ रहे हैं मूलांक तो आप दो नौ तीन आंख मूंद कर खरीद सकते हैं, या इस कॉम्बिनेशन वाले फ्लैट को, घर को आंख मूंद कर ले सकते हैं। पांच नंबर भी ले सकते हैं, सूर्य है तो आपको शनि, शनि से शत्रुता होती है, हालांकि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, एक और आठ नंबर, परंतु सूर्य और शनि में शत्रुता है, क्योंकि भगवान सूर्य देव ने शनि की माता छाया को त्याग दिया था, इसलिए इन दोनों के बीच में बैर की भावना है। सूर्य राहु से शत्रुता है और केतु से भी शत्रुता है, तो आठ चार और छह तो हमें नहीं लेना चाहिए। और दानवों के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य, तो भी शत्रुता की भाव को रखते हैं। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन देखकर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें कि चंद्र आपका यदि दो निकल कर आता है मूलांक तो आप देवता ग्रह में से कोई भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। आपका दानव ग्रह में से कोई आता है तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं, और किनको नहीं ले सकते यहां से डिसीजन किया जा सकता है। ये तो हो गई वास्तु न्यूमरोलॉजी से संबंधित। मूल चीजों की बात करें तो आप कोई भी प्लॉट लेते हैं तो ठीक है, अपने जन्म कुंडली के अनुसार दिशा वगैरह देख लें, आपके लिए शुभ है। घर के जो मालिक हैं, अब किसका मिलान करना है, आपके घर में पांच सदस्य है, ऐसे स्थिति में तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपके घर में पांच मेंबर है, अब किसके डेट ऑफ बर्थ से हम इसको मिलान करें। तो पांच में जो भी घर के ऑनर हैं उनका प्रमुख है, ऑनर जो भी हैं, जो भी घर के मालिक हैं उनके डेट ऑफ बर्थ से प्राइमरी मिलान किया जाता है। यह घर का बड़ा बेटा, आपका जो सन है बड़ा बेटा, उसके नाम से भी ये मैच किया जा सकता है,
या फिर गृह स्वामी की धर्म पत्नी जो वाइफ है उसके डेट ऑफ बर्थ से भी आप मैच करके देख सकते हैं। ये देख करके आप ये तय कर सकते हैं कि किस नंबर का फ्लैट, किस नंबर का भवन आपके लिए विशेष शुभ होगा। लेकिन उससे पहले घर का वास्तु, फ्लैट का वास्तु, भूमि का वास्तु शुभ होना अति आवश्यक है। अर्थात प्राइमरी क्या है, डायरेक्शन को चेक करें, वास्तु देखें, ये दोनों मैच कर गए उसके बाद आप नंबर पर आए। और किसी भी कंफ्यूजन से दूर रहें कि आठ शनि का है तो नहीं लेना है, चार राहु का है तो नहीं लेना है, किनको लेना है किनको नहीं लेना है, हम इस चार्ट से तय करेंगे कि राहु यदि आपके लिए शत्रुता का भाव रखता है, आप चंद्र हैं तो राहु आपको ग्रहण करने का प्रयास करेगा, आप सूर्य हैं तो राहु आपको ग्रहण करने का प्रयास करेगा, ये नुकसान करेगा। सूर्य है तो शनि नुकसान करेगा। ये हम शत्रुता और मित्रता यहाँ से देखते हैं, उसके अनुसार हम घर का नंबर तय करते हैं। और किसी प्रकार के नंबर को तय करने से पहले आप विधिवत किसी अच्छे वास्तुशास्त्री, अच्छे न्यूमरोलॉजी का आप सेवा ले सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। आपको अपने घर से संबंधित, वास्तु से संबंधित कोई वर्क हो, नया भवन का निर्माण कराना हो या फ्लैट्स, घर, भूमि इत्यादि का वास्तु जांच कराना हो, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।